ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राशियों के स्वरूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। जो पिछले वीडियो था जहां हम ज्योतिष की उत्पत्ति और राशियों के स्वरूप के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, आज हम विस्तार से जानेंगे कि राशियों के स्वरूप क्या है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि राशियों की स्वरूप क्या है। समझिएगा बात को कि राशियों का, ठीक है, जो सुगम अर्थ है ये है समूह। ये समूह में रहते हैं, ठीक है। आकाश में आप देखिएगा कि आकाश में स्थित जो भाचक्र है, जो भचक्र है, उसे 360 डिग्री अंश अथवा 108 भाग होते हैं। टोटल अगर ग्लोब का देखेंगे तो उसमें 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, 360 डिग्री होते हैं अथवा 108 भाग होते हैं, ठीक है। ये समस्त जो 12 राशियां है इन 360 डिग्री में या 108 भाग में विभक्त है। अंत 30 अंश का या 9, हम जो कहते हैं सरन या पाद, 9 सरन का एक राशि होता है। एक राशि कितना अंश का होता है? 0 से 30 डिग्री तक एक राशि होगा। फिर ऐसे क्रमश 360 डिग्री करके वो राशि इंडिविजुअली होगा। एक राशि 0 से 30 डिग्री तक होगा, हम उसे 9 सरणों में भी भाग सकते हैं। हमें क्या मालूम चला कि एक राशि में या तो 30 डिग्री होगा या 9 सरण होगा। और समझिएगा बात को कि जो स्वरूप और जो देखने की वजह से जो राशि चक्र आकाश में जिसका सदृश किसी ना किसी से मैच करता है, उसी हिसाब से राशियों का आकृति का नामकरण किया गया है। जो मेष राशि है उसको देखने में मेष जैसा लगता है थोड़ा बहुत, इसलिए उसका नाम मेष पड़ा है। इस तरह समूह 12 राशियों का नामकरण किया गया है। समझिएगा बात को कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये मुख्यतः 12 राशियां है। यही 12 राशियां है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इन 12 राशियों की वजह से ही हम लोगों का जो उत्थान होता है, पतन होता है, जो भी होता है, ये 12 राशियों के मध्य ही होता है। इन 12 राशियों में भी और एक है कि मेष राशि हुआ, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु और जो कुंभ राशि हुआ, ये राशियों को हम विषम राशि भी बोलते हैं। साथ ही साथ क्रूर राशि है ये जो राशि है, और साथ ही ये पुरुष राशि है। समझेगा कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ ये विषम राशि है, साथ ही साथ क्रूर राशि है और ये पुरुष राशि है। और जो वृष राशि हुआ, वृषभ हुआ, कर्कट हुआ, फिर कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये जो राशियां है ये सम राशियां है, सौम्य राशियां है और स्त्री राशियों में इसे गिना जाता है। मेष, कर्कट, तुला, मकर राशियां जो है ये सर राशि है, ठीक है, इसे हम सर राशि कहते हैं। क्या क्या? मेष, कर्क, तुला और मकर राशि सर राशि का है, और वृषभ, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ ये जो है ये स्थिर राशियां है, और मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां है। मेष हुआ, वृष हुआ, कर्क हुआ, धनु, मकर ये जो है ये पृष्ठदेय राशि है। ये राशि जो रात्रि बलवान होते हैं और यहाँ बैठे ग्रह देर से रिजाल देते हैं, ठीक है। फिर मिथुन हुआ, सिंह हुआ, कन्या हुआ, तुला हुआ, वृश्चिक और कुंभ ये जो है ये शीर्षदेय राशि है। ये दिन में बलवान होते हैं और इनमें बैठे ग्रह जल्द ही रिजाल देने में सक्षम होते हैं। और उसके अलावा जो मीन है, मीन उभयदेय होता है। कैसे उभयदेय होता है? मीन
दिन में भी बलि होता है, वो रात में भी बलि होता है। देखिए पिष्टदेह राशि में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो ये अशुभ रिजल्ट देता है, अशुभ फल देता है, और शुभ ग्रह बैठा होता है तो ये मध्यम फल देने में सक्षम होता है। उसी तरह अगर हम शीर्षदेव में देखें तो उसे इस तरह समझना चाहिए। और मेष हुआ, सिंह हुआ, धनु हुआ, ये अग्नि तत्व की राशि होते हैं, समझिएगा बात को। मेष, सिंह और धनु जो है ये अग्नि तत्व की राशि है, जिसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। फिर वृष हुआ, वृषभ हुआ, कन्या हुआ और मकर हुआ, ठीक है, ये पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। फिर जो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि हुआ, ये वायु तत्व की राशि है, ठीक है, जिसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। और फिर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है ये जलीय तत्व की है, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। समझिएगा बात को कि मेष और वृश्चिक का स्वामी, जो मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, उसकी स्वामी मंगल होता है, और वृषभ और तुला की जो स्वामी होता है वो शुक्र देवता होता है, और कन्या और मिथुन का जो स्वामी होता है वो बुध देवता है, और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, और सिंह का स्वामी जो है वो सूर्य देवता होता है, धनु और मीन का जो है बृहस्पति देवता होता है, मकर और कुंभ का जो अधिपति देवता है ये शनि देवता होता है। और यहाँ पे राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया है, फिर भी हमारी ऋषियों ने क्या किया कि राहु की जो अतिरिक्त जो बुध की जो कन्या राशि बुध की होती है, वो कन्या राशि में अतिरिक्त राहु को भी स्थान दिया है, वो राहु का भी राशि है, और मीन राशि का अतिरिक्त स्वामी केतु देवता है, ये बात समझिएगा। और यहाँ पर जो चंद्रमा और सूरज देवता को एक एक राशि मिला हुआ है, क्योंकि सूरज देवता जो आत्मा के कारक है और चंद्र देवता जो मन की कारक है, वैसे ही मन दो दो नहीं रहते हैं, या आत्मा भी दो नहीं रहते हैं, शरीर में एक आत्मा रहते हैं, मन रहते हैं, इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि सूरज देवता और चंद्र देवता को एक एक राशि का आधिपत्य मिला है। आइए अब हम समझते हैं कि जो द्वादश जो ये राशियां है, जो 12 राशियां है, ये काल पुरुष की कुंडली मानी गई है, और काल पुरुष की कुंडली में कौन सा राशि काल पुरुष की किस अंग में पड़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए मेष जो है काल पुरुष की कुंडली में सिर में होते हैं, वृषभ जो है वो सेहरे में होते हैं और मुख में होते हैं वृषभ, और मिथुन राशि जो है वो कंधे में दोनों हाथों में होते हैं, और कर्क जो है वो साती में होते हैं, फिर फेफड़ों में होते हैं और हृदय में होते हैं, सिंह जो है वो उदर में होते हैं, कन्या को आते और कमर में काल पुरुष की कुंडली में होते हैं, तुला जो है पंडु में होते हैं, फिर वृश्चिक जो है वो जननांग में होते हैं, फिर धनु जो राशि है धनु राशि वो कुल्हे में या जंघे में होता है, फिर मकर को दोनों घुटने में समझना चाहिए जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और कुंभ को दोनों पिंडलियों में, और मीन को दोनों पैरों में स्थान मिला है काल पुरुष की कुंडली में। जब हम वर्ष कुंडली कभी अगर हम बनाएंगे तब हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काल पुरुष की कुंडली हमें जाननी होती है। जन्म कुंडली में हो या वर्ष कुंडली में हो, जिस राशि में शुभ ग्रह होता है उस भाग को पुष्टि मिलता है, पोषण मिलता है और वो स्वस्थ रहता है, समझिएगा बात को। और जिस राशि में काल पुरुष के हिसाब से जिस राशि में पापी ग्रह होगा वो शरीर को ये शरीर संबंधित रोग लाएगा, विकार लाएगा, वो शरीर को पीड़ित करता है। उसी हिसाब से हम काल पुरुष की कुंडली में, वर्ष कुंडली में या लग्न कुंडली में दशा अनुसार हम कह सकते हैं कि जातक व जातिका का क्या परिणाम होगा। तो आज हम विस्तार से जाना कि राशियों की स्वरूप क्या है। आप भी समझिएगा, ये जो हमने वीडियो बनाया
वे उन दर्शकों के लिए बनाया जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक नियम को नहीं जानते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी नए तरीकों से सीख रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में नया है, उन लोगों के लिए बनाया। जो पुराना एस्ट्रोलॉजर्स है, ज्योतिष है, वो लोग के लिए नहीं है, ये उन लोगों का जाना हुआ विषय है। जो नया है वो लोग समझ पाए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसी हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।